हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्राइसेंथीमम प्लांट्स के ऊपर कि कैसे हम इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और कैसे हम जो है अपने प्लांट्स, जो क्राइसेंथीमम प्लांट्स रहता है फ्रेंड्स, इसके जो है बिग फ्लावर ला सकते हैं और हमारे प्लांट्स को घना वाला कर सकते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। तो देखिए, इस टाइप का भी आपका जो प्लांट्स बिल्कुल घना हो सकता है, जिस टाइप का ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। देखिए ये कितना घना है। तो अब इसे जो हम इसे मैंने ऐसे करा कैसे है, तो देखिए पिंचिंग जो बाइट है फ्रेंड्स, पिंचिंग मतलब होता है जो हमारे नए शूट्स निकल रहे हैं उनकी कटिंग करना। तो देखिए आज हम जो है इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे कि कैसे हम इसकी पिंचिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपने क्राइसेंथेमम प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं पिंचिंग की। तो देखिए पिंचिंग हम इसलिए करते हैं फ्रेंड्स अपने प्लांट्स की, जिससे कि वो जो है उनके जो, जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, देखिए ये हमारे जो है नए वर्ड्स निकल रहे हैं, तो इसमें जो फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो इसकी जो पहले से ही मैंने थोड़ी बहुत जो है कटिंग कर दी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियो भी दिखा दूँ कि आप लोग भी जिससे पिंचिंग कर सकें। तो देखिए अगर अभी जो है हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि क्राइसेंथेमम के फ्लावर्स जो रहते हैं अक्टूबर के महीने से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए वो खिलते भी हैं, लेकिन जो है वो बहुत स्मॉल साइज में खिलते हैं, लेकिन हमें क्राइसेंथेमम के, और फिर वो जो है हमारे नवंबर तक फ्लावर लगे रहते हैं, तो फिर हम जो है इसकी कटिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम अक्टूबर के महीने में इसकी जो है पिंचिंग कर देते हैं फ्रेंड्स, मतलब जो इसके जो नए वर्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये अगर हम इसे काट देते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है और भी घना हो जाएगा आपका प्लांट्स, और फिर जो है इसके फ्लावर जो है आपके नवंबर के टाइम पे समथिंग ऐसे ही कुछ इसके खिलना चालू होंगे। तो वो है सर्दियों के मौसम में इसके बिग साइज़ के फ्लावर्स खिलते हैं। तो देखिए अब जैसे कि हमने ये कटिंग कर दिया, इसी तरीके से आप जो इसके वर्ड्स काट देंगे, जो नई शूटिंग आती है फ्रेंड्स वो काट देंगे। तो जैसे कि हमने देखिए फ्रेंड्स ये काट दिया, तो देखिए हमने इधर से इसे काटा था, तो देखिए अब जो है जहाँ से हम फ्रेंड्स इसे स्टेम्स को काट देते हैं, वहाँ से वो कभी भी ग्रो नहीं होती है, उसके जो है अगल बगल से शूट निकलना चालू स्टार्ट होते हैं। तो जब इसकी देखिए, ये तो एक स्टेम थी फ्रेंड्स, तो देखिए ये जैसा कि एक स्टेम थी, उसकी अगल बगल से निकलेंगी तो दो स्टेम्स निकलेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स एक से कितनी निकली इसकी, दो स्टेम्स, तो एक से आप इसकी दो निकली फ्रेंड्स। तो और फिर आप जो है उस दो की भी अगर कटिंग करेंगे तो दो से चार हो जाएगी, और अगर आप उस चार की भी कटिंग करते हो तो चार से वो फिर वो छः आठ ऐसी होती होती चली जाएंगी। लेकिन आपको इसकी ज़्यादा भी पिंचिंग नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी दो बार पिंचिंग करना है। तो उससे जो है आपका प्लांट्स जो है इसका घना हो जाएगा, और जो है सर्दियों के मौसम तक इसके जो फ्लावर्स भी बगाना चालू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो आप अपने प्लांट्स, जो क्राइसेंथेमम के प्लांट्स है, और जैसा कि आप रोज प्लांट हुआ, और हमारे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनकी हम पिंचिंग करते हैं तो वो बहुत घना हो जाता है प्लांट्स। तो यही फ्रेंड्स बताना था मेरे को आपको आज कि कैसे आप अपने प्लांट्स की जो है पिंचिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर देखिए, अब हम इसमें केयर टिप्स की बात करें फ्रेंड्स इसकी, तो देखिए उसके ऊपर भी मेरी पहले से एक वीडियो डली हुई है, तो आप वो मेरे लिंक में जा करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो देखिए अब पिंचिंग की जैसा कि हमने बात करी, तो अब देखिए अब जैसे अगर आपको इसमें यूज़ करना है, तो देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बता दूँ, तो आप इसमें जो है गाय का जो गोबर रहता है फ्रेंड्स, मतलब कंपोस्ट जो हमारे रहता है 1 ईयर 2 ईयर ओल्ड, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेनली इसमें जो है 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट का ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी आपका इसमें यूज़ जो है कंपोस्ट का आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो पिंचिंग कर देंगे, तो ये जब घना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स मेरे और भी जो है फ्लावर जो है इसके क्राइसेंथेमम के जो प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मैंने उन सबों की पिंचिंग कर दी है। और देखिए आपको एक चीज़ का इस पर ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो इंसेक्टिसाइड्स का अटैक बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए आपको उसका भी ख्याल रखना है, इंसेक्टिसाइड का इस पर अटैक ना हो। तो देखिए अब जैसे कि हमने ये पिंचिंग करी है, तो देखिए फ्रेंड्स ये वाली जो हमने स्टैम्प उड़ा दी है, तो अब देखिए इसका आप क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका इकट्ठा करके आप जो है लीफ कंपोस्ट भी बना सकते हैं, रोज़ की जो कटिंग्स हुई उन सबको इकट्ठा करके आप लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं, अगर आपको वह नहीं बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे कि हमने कटिंग की है फ्रेंड्स, तो इसे जो है डायरेक्टली अगर आप सॉइल में लगा देंगे तो ये भी ग्रो हो जाएगी, तो इससे जो है आपका एक प्लांट्स और बन जाएगा इसका। तो इसी तरीके से सोच लीजिए फ्रेंड्स आप लोग किसके कितने सारे इसके जो है प्लांट्स बना सकते हैं। एक प्लांट्स में से लगभग आप इसके आराम से 25 से 30 प्लांट्स आराम से ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए देखिए मैं आपको सॉइल मीडिया बता देता हूँ फ्रेंड्स, उसके लिए आपको इसका सॉइल मीडिया में देखिए आपको 80% जो है आपको अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, जो कॉमन गार्डन सॉइल लेनी है, लेकिन उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा जो है कंकड़ ना हो, जो कंकड़ और पत्थर रहते हैं, मतलब जो
ज़्यादा बड़े बड़े सेंड सेंड रहते हैं फ्रेंड्स, जो ज़्यादा बड़े पत्थर रहते हैं वो ना रहे हैं उसमें। और दूसरी बात फ्रेंड्स, उसमें आप 20% जो है गाय का गोबर यूज़ करेंगे, उसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर जो आप इसके प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं इन कटिंग्स के दौरान। देखिए ये छोटी कटिंग्स है तो क्या होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये भी जर्मिनेट हो जाएगी अगर आप जो ऐसे शहद के साथ या दालचीनी के पाउडर के साथ लगा लेंगे तब। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने सीखा फिंचिंग कैसे कर सकते हैं हम फ्रेंड्स। तो देखिए अब जब मैं ओवरव्यू दिखाऊंगा अपने गार्डन के, तो मैं आपको इसके फ्लावर्स ही दिखा दूंगा, दिखा दूंगा कि कितना ये मैंने घना कर लिया था अपना फ्रेंड्स। तो देखिए आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक या दो बार आपको इसकी पिंचिंग करनी है, उसके बाद आप इसकी पिंचिंग नहीं कर सकते। और आपको अगर इसकी पिंचिंग करना भी फ्रेंड्स, तो आप जो अक्टूबर के महीने में कर देंगे तो सही रहेगा। आपको इसकी पिंचिंग नवंबर और दिसंबर के महीने में नहीं करना, क्योंकि जब जो है इसका फ्लावरिंग टाइम रहता है। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ।